भीलवाड़ा में 1 जनवरी को नववर्ष एवं भगवान शांतिनाथ के ज्ञान कल्याणक दिवस पर बापूनगर स्थित पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में बड़े बाबा मूल नायक पद्म प्रभु भगवान पर महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा उत्साहपूर्वक की गई। 108 रिद्धि मंत्रों का उच्चारण कर श्रावकों ने सभी प्रतिमाओं पर अभिषेक किया। इसके उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिभाव से पूजा अर्चना कर अर्घ्य समर्पित किए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आर्यकर रत्न श्री अंतर्मती माताजी ससंग के मंगल सानिध्य में श्री 1008 समव शरण विधान का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों को माताजी का आशीर्वचन भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही 15 जनवरी को थुबोंजी में वार्षिक मेला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए थुबोंजी समिति के सदस्यों ने आर्यका संघ को श्रीफल अर्पण कर सानिध्य प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी के राम मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी को सकल जैन समाज बालाघाट ने ज्ञापन सौंपा, साथ ही शीघ्र कार्यवाही की मांग की। नववर्ष के उपलक्ष्य में आगरा के जैतपुर कला में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भक्तों ने श्री 1008 नेमिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक और शांति धारा की। तत्पश्चात श्री समेत शिखर महामंडल विधान का आयोजन किया गया। उससे पूर्व नववर्ष की पूर्व संध्या में महाआरती, 48 दीपकों से भक्तामर पाठ और जैन शाश्वत तीर्थ श्री समेत शिखर की पवित्रता बचाने के लिए सकल जैन समाज ने एक दीपक समेत शिखर के लिए श्री जी को समर्पित किया। मध्य प्रदेश के भिंड से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र रत्नत्रय गिरी पावई जिला में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। उसी दौरान जब पिलर के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था तो उसमें से अति वर्षों पुरानी प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई। यह हमारी प्राचीनता का प्रतीक है कि दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र पावई अति प्राचीन क्षेत्र है। मुनि श्री प्रथमानंद जी महाराज के सानिध्य में दिल्ली के कैलाश नगर में श्री भक्तामर दीप आराधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ प्रभु का स्मरण किया, साथ ही प्रभु की आरती करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। निवाई सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में 1 जनवरी को संत निवास नसिया जैन मंदिर में वात्सल्य वारिधि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का केश रोचन समारोह आयोजित किया गया। केश रोचन समारोह में सुबह श्रद्धालुओं ने नमोकार महामंत्र पूजन अर्चना एवं महावीर चालीसा का पठन पाठन किया। इस अवसर पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने कहा कि दिगंबर साधु वही बन सकता है जो निर्ममत्व भाव को जगाता है।